हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बशीर टीवी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरी वीडियो के शुरू में से देखा, बॉल्ड्रा वाला स्टेटस। दोस्तों, अगर आप इस तरह का स्टेटस बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को ज़रा सा भी स्किप करेंगे तो आप इस तरह का जो स्टेटस है वो नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आपको जो काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप इसको किसी भी ब्राउज़र या प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो के जन्म जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल बशीर टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी के ऑप्शन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। चलो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, उस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आपने अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपने यहाँ बीच में प्लस का ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं आपको टिक लगा के दिखा देता हूँ। इस वाले ऑप्शन पे दोस्तों आपने क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपने 9:16 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। इस वाले रेशियो को इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर अपनी वो वाली फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है, पिक को यहाँ पर ऐड कर लेना है जो आप अपनी वीडियो में लगाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ से अपनी कोई एक फ़ोटो यहाँ पे ले लेता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ से अपनी ये एक फ़ोटो ले ली है। इसके बाद दोस्तों आपने ऊपर इस टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ इस पिक वाली लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऊपर दोस्तों आपने पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इसको खींच कर कुछ इस तरह से फिल स्क्रीन यहाँ से कर लेना है, कुछ इस तरह से। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ ऊपर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ ऊपर टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपने इसी फोटो वाली लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना और इसको खींच कर थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपने ऊपर टिक ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसके बाद दोस्तों आपने ऊपर मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को यहाँ पे ऐड करना है। इसका जो लिंक है मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, इसी तरह से आपने इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ फिल स्क्रीन वाले इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से इसको फिल स्क्रीन कर देना है, और इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से दोस्तों आपने यहाँ पीछे आ जाना है या नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपने यहाँ क्रोमा की के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ की कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इसके कलर को जो है यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। ये वाला कलर को आपने दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और ऊपर स्टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर आपने इसको ओके कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों आप इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो दोस्तों, नीचे वाली वीडियो के हिसाब से दोस्तों आपने ऊपर वाली लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फोटो वाली लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड के ऑप्शन पे। और इसके बाद दोस्तों आपने ऊपर टिक ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओके कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो है वो बनकर मुकम्मल हो चुकी है। तो दोस्तों, इसको अपनी गैलरी में सेव करने के लिए दोस्तों आपने सिंपली ऊपर तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वाले ऑप्शन पे दोस्तों आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से इसको HD 720p पे भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर FHD 1080p भी आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपने इसको 60 रहने देना है, और यहाँ पे दोस्तों आपने एक्सपोर्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जो ये जो आपकी वीडियो है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसे लगी मेरी आज की वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, शुक्रिया।